इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह का शव बुधवार को उनके पैतृक आवास छपरा के जलालपुर पहुंचा। शव पहुंचते ही गांव में मातम छा गया। घर वाले तो घर वाले ही, बाहर वाले भी रोते हुए नजर आए। बुजुर्ग पिता शिवाजी सिंह अपने बेटे से लिपट कर रोने लगे और बार बार बेहोश हो रहे थे। यही हाल उनकी माता द्रौपदी देवी का रहा। वह इतना रोई कि उनकी आवाज़ निकलना ही बंद हो गई। वहीं पत्नी नीतू अपने पति के शव से लिपट कर बेसुध हो रही थी। उनके बेटे और बेटी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इस मौके पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह ने परिवार का आधांस बांधा। रुपेश सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। वहीं रुपेश के 6 साल के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। रिवीलगंज के सिमरिया घाट स्थित मुक्तिधाम पर सरयू नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पर जिला प्रशासन के आलाधिकारी और बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे। दरअसल मंगलवार देर शाम रुपेश सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। रुपेश अपने पुनाइक वाले अपार्टमेंट में प्रवेश कर ही रहे थे कि अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस इस मामले की लगातार जांच कर रही है। फिलहाल सबको एक साथ लेकर चलने वाले और हसमुख व्यवहार के रुपेश की हत्या से हर किसी के मन में एक डर बैठ गया है। वहीं प्रदेश सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़